दोस्तों, जो कहानी फ्रांसिस्को एनरिक डिसूजा उर्फ जोनेंसियो ने लेट यूफोलॉजिस्ट बॉब प्रैट को बताई, वो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। जनवरी 1979 की एक रात जोनेंसियो अकेला अपने घर की तरफ जा रहा था, और ये जगह ब्राजील के उत्तरी पूर्वी इलाके में थी। अचानक ही चलते चलते उसे लगा कि एक सिगरेट हो जाए, और उसने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने जैसे ही अपनी सिगरेट जलाई तो ऊपर उड़ रही एक यूएफओ का ध्यान उसकी तरफ गया, और वो तुरंत ही उसका पीछा करने लग गई। उसके हिसाब से वो चीज़ सिलेंड्रिकल शेप की थी और 6 से 7 मीटर ऊंची, और उसका व्यास 3 से 4 मीटर का था। ये चीज़ उसके बहुत ही पास थी। वो उसके सर से सिर्फ 2 मीटर ऊपर ही उड़ रही थी। उसके हिसाब से उसने सियान के अंदर एक आदमी और एक औरत को बैठे हुए देखा। कुछ ही क्षणों बाद उस यान से एक लाइट निकली और वो उसे ऊपर की ओर खींचने लगी। इस चीज से बचने के लिए उसने एक ताड़ के पेड़ को कस के पकड़ लिया, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। उसके अनुसार वो लाइट काफी गर्म थी और वो बुरी तरह से डर गया था। लाइट का खिंचाव बहुत ज्यादा था, और पेड़ को मजबूती से पकड़ने के बावजूद वो ऊपर की तरफ कई बार खींचा जा चुका था। ये खिंचाव 4 से 5 बार हो चुका था। ऊपर नीचे की वजह से उसके हाथ और छाती बुरी तरह से छिल चुकी थी। वो रोने लगा और उसे लगा कि वो मरने वाला है। जब उस यान में बैठे आदमी और औरत को लगा कि वो आसानी से पेड़ नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने उस पर गरम तेल जैसी चीज डाली ताकि वो उस जलन की वजह से पेड़ को छोड़ दे। उस तेल नुमा चीज ने उसके हाथों को बुरी तरह से जला दिया था, लेकिन उसने उस पेड़ को नहीं छोड़ा, और इतनी जलन के बाद भी वो पेड़ से चिपका रहा। अगर वो थोड़ी देर और चलता तो शायद वो मारा जाता, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। और ये देखकर उस यान ने अपना दरवाजा बंद किया, और वो लाइट भी ऑफ हो गई, और वो यान वहां से उड़ गया। यान के जाने के बाद वो तेजी से घर की ओर भागा। उसके कपड़े पसीने और तेल से लथपथ थे। इस घटना के काफी साल बाद 1996 में ब्राजीलियन यूफोलॉजिस्ट कार्लोस आयटन ने इससे जुड़ी एक अजीब बात कही। कार्लोस के हिसाब से जिस ताड़ के पेड़ को उसने पकड़ा था, वो कार्नुबा जाति का पेड़ था, जिसके पत्तों में एक पाउडर नुमा चीज बनती थी, जिसका इस्तेमाल वैक्स और तेल बनाने के लिए किया जाता था। जैसे कि जुनेंचियो ने बताया था कि यान से निकलने वाली रोशनी बहुत गर्म थी, जिसकी वजह से पेड़ के पत्तों में मौजूद पाउडर पिघल गया और जनिनियों पर गिरने लगा, जिसे उसने कहा कि उस यान ने उस पर गर्म तेल गिराया था। दोस्तों, हो सकता है कि इस घटना में कुछ हिस्सा कल्पना से प्रेरित रहा हो, लेकिन यूफोलॉजिस्ट बॉब प्रैट इस घटना को 100% सही मानते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी ही एक और रिपोर्ट आई थी, और ये घटना जोनेंसियो के बेटे बेनेडिटो एनरिक डी सूजा के साथ घटी थी, और इसकी शुरुआत भी सिगरेट जलाने से ही हुई थी। दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है? क्या जोनेंसियो सही कह रहा था, या कार्लोस आयटन की कारनुबा जाति के ताड़ वाली थ्योरी सही है? आपकी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नमस्कार।